भाई सब कुछ तैयार हो गया था और मेरा पावर बैंक कुछ गड़बड़ हो गया है, पता नहीं वर्क नहीं कर रहा है। सब कुछ रेडी हो गया है, गाड़ी आगे सामने रेडी कर दिया मैंने, देखे वहाँ पे, और पावर बैंक सडनली काम करना बंद कर दिया। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने एक बार चार्ज में लगा के देख रहा हूँ क्या दिक्कत है, और सॉल्व हो जाता है तो निकलूँगा। लग तो रहा है सही हो गया है पूरा, चारों वो जो ये होते हैं ना पावर की कुट्टियाँ वो दिखाने लगा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये सूरज भाई हैं, इनका यूट्यूब चैनल है सूरज नेगी यूके, सूरज नेगी यूके के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, उसको आप विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन्होंने मेरा पावर बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत मदद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नंदा देवी टूरिस्ट लॉज से मैं चेकआउट कर रहा हूँ, और यही वो लॉज था जहाँ मैं रुका हुआ था, और अब समय आ गया है नंद प्रयाग की तरफ बढ़ने का। एक्चुअली जब सुबह सुबह उठा तो मैं यहाँ पे एक दिन रुका था, दो रातें रुका था, तो जिस दिन आया था मैंने यहाँ पे आधार कार्ड सबमिट किया था, पर जो यहाँ पे मैनेजमेंट संभालते थे वो कल गांव चले गए शाम के समय आई थिंक, और उनके साथ मेरा आधार कार्ड चला गया। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि मेरा आधार कार्ड मिसिंग हो गया, तो मैंने उनसे बोला कि भाई आधार कार्ड रिटर्न कीजिए। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत पोलाइटली बोला कि भैया गलती हो गया है, गलती से चला गया है, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, आते ही मैं व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेज दूँगा वगैरह वगैरह। तो अब क्या ही बोल सकते हैं, ज़्यादा कुछ तो बोल सकते नहीं। तो अभी हम लोग गुजर रहे हैं लंगासू से, लंगासू वैली, बहुत ही सिंपल सिंपल घर है यहाँ पे, मेरे गाँव जैसे बेहद खूबसूरत। और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बैडाड़ू, बैडाड़ू वाओ, काफ़ी यूनिक यूनिक नेम्स हैं हाँ उत्तराखंड में गांवों का, जो पहाड़ी गांव है उनका। दस रहने लो, 453। जय तुलसी महादेव सुनला। और हम लोग फिर से बढ़ चुके हैं नंद प्रयाग की तरफ, और तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से नंद प्रयाग। तो फाइनली अपाची आटिया 164 भी पहुंच चुकी है नंद प्रयाग। आप देख सकते हैं वहां पे अलकनंदा नदी आ रही है और ये नंदाकिनी नदी आ रही है, और दोनों का मेल हो रहा है यहां पे। तो आप देख सकते हैं वहां पे लगता है किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है। तो चलिए थोड़ा करीब से देखते हैं कैसा है ये संगम। यहाँ तक बाइक नहीं जा सकती है, एक रास्ता बनाया गया है जिस पर चल के लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। तो अपना सबसे चैलेंजिंग पार्ट होगा कि अपनी बाइक को कहीं लगाना होगा, तो देखते हैं कहाँ लगाया जा सकता है बाइक को। ये है नंद प्रयाग का मार्केट, और मार्केट से होकर ही संगम के पास रास्ता जाता है। तो अभी हम लोग फिलहाल संगम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फाइनली हमें मिल चुका है संगम मार्ग, यहाँ से हमें नीचे जाना है, और यहीं वॉशरूम भी है। ये रास्ता है, थोड़ा सा छोटा सा ट्रैक है, मज़ा आएगा। हाँ जी, तो मैं आपको बता दूं कि नंद प्रयाग का इतिहास बहुत पुराना है। ये इतिहास श्री कृष्ण जी के जन्म से पहले का है, जब उनके पिताजी ने यहाँ पर तपस्या किया था। उनके पिताजी ने यहाँ पर तपस्या किया था ताकि नारायण को अपने पुत्र के रूप में पा सकें, इस वजह से इस जगह का नाम नंद प्रयाग रखा गया। दूर वहाँ देख सकते हैं आप संगम पॉइंट है, कुछ दूर आपको पैदल चलना पड़ सकता है, वैसे आपको सामने से ही दिख जाएगा तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इस रास्ते में, बहुत ही क्लियर रास्ता है, छोटा सा ट्रैक है, आपको मज़ा आएगा। के बैरियर्स भी लगे हुए हैं तो आप साइकिल भी यहाँ तक नहीं ला सकते हैं, आपको पैदल ही आना पड़ेगा यहाँ पे। नंद प्रयाग का जो इतिहास है वो नंदा देवी, नंदाकिनी नदी और नंद महाराज से जुड़ा हुआ है। ये तीनों क्या हैं, कौन हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल आप यहाँ से देखिए संगम दिखने लगा है, और यहाँ पर एक वॉकवे बनाया गया है जिस पर चल कर आप संगम तक जा सकते हैं। और आपको यहाँ पर बहुत सारे पत्थर दिख रहे होंगे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में, ये सारे पत्थर मानसून के टाइम में जल का स्तर बढ़ने की वजह से डूब जाते हैं, इसीलिए ये वॉकवे जो है थोड़ा सा ऊंचाई पर बनाया गया है ताकि आपको प्रयाग तक जाने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, बेहद प्यारा नज़ारा है, चारों तरफ ऊँचे ऊँचे पहाड़, बहुत सुंदर। मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षक क्या लग रहा है, ये जो पहाड़ के ऊपर जो ऊंचे ऊंचे पेड़ है ना, जो एकदम एक लाइन से दिखते हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। और ये देखकर लग रहा है कि हाल ही में इसको बनाया गया है, शायद ये टूट गया होगा या रेनोवेट किया गया होगा इसको,
अच्छा एक बात और कि लास्ट टाइम जब 2021 में बाढ़ आया था इस साइड में, तो उस टाइम ये सब टूट गया था, तहस नहस हो गया था। तो 2021 तो खैर काफ़ी टाइम हो गया, पर वापस से कुछ डैमेज हुआ होगा इसलिए वापस से रिकंस्ट्रक्ट इसको किया गया होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नंदाकिनी जो नदी है वो ये है, ये आप देख सकते हो, ये जो नदी बह के आ रही है ये है नंदाकिनी नदी, और ये आती है नंदा देवी ग्लेशियर से। और इस साइड आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी है जो कि माना विलेज से आती है बद्रीनाथ होते हुए, और ये सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। सतोपंत ग्लेशियर जो है माना विलेज के और थोड़ा सा पीछे है, जहाँ से सरस्वती नदी भी आती है उसी के आसपास से, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। माना मैं जाने वाला हूँ क्रिमिनेशन घाट, मतलब नंद प्रयाग एक क्रिमिनेशन घाट भी है। आइए थोड़ा नज़दीक से देखते हैं नंद प्रयाग को। यहाँ पे बैठने का उत्तम प्रबंध किया हुआ है, बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ का। सुबह सुबह आप यहाँ पर आकर योगा वगैरह कर सकते हैं, अगर आप कैंप करते हैं तो यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं नंदाकिनी नदी का कितना क्लियर साफ पानी है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, आर पार सब कुछ दिख रहा है बराबर। और ये आगे वहाँ जाकर इसका मेल हो जाएगा अलकनंदा नदी से। देख सकते हैं यहाँ पे नंदाकिनी नदी का जो पानी है वो थोड़ा सा वॉकवे पर लीक हो रहा है, तो हम लोगों को थोड़ा सा और आगे जाना है ताकि संगम को अच्छे से दिखा सकूँ मैं आपको। और कोई अपना साबुन यहाँ पर भूल गया लगता है नहाकर, और यहीं पे किसी का अंतिम संस्कार भी हो रहा है, आप देख सकते हैं वहाँ पे चिता जल रही है। कहते हैं कि नंदाकिनी नदी का जो पानी है वो कितना साफ है, सब कुछ आर पार एकदम बराबर दिख रहा है। जरा चेक करता हूँ कितना ठंडा है ये पानी, और ये पानी काफ़ी ठंडा है, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा पानी है। इन लोगों ने पाइप लगा कर जो है इसको चैनलाइज किया है पानी को उस साइड में, क्या रीज़न हो सकता है उसका पता नहीं, मे बी कुछ साफ वाफ करने के लिए हाथ पैर या कुछ मे बी। देखिए वहाँ पे पानी गिर रहा है पाइप से। और ये मैंने अपने जूते निकाल दिए हैं, सामान यहाँ पर रख दिया है, और अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा ताकि आपको प्रयाग को अच्छे से दिखा सकूँ। और ये यहाँ का कुछ नज़ारा है, ये क्रिमिनेशन घाट भी है तो यहाँ पे लोग अंतिम संस्कार भी करते हैं। और बाकी आप देख सकते हो ये रही नंदाकिनी नदी, बेहद ही खूबसूरत क्रिस्टल क्लियर पानी, और वो रही अलकनंदा नदी, उसका पानी हमेशा से मुझे नीला नीला सा क्यों लगता है, थोड़ा सा ग्रीनिश। खैर देखते हैं और क्लियर वो होता है कि नहीं, या वैसा ही पानी है अलकनंदा नदी का। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे माना विलेज जाएंगे तो उस पानी के कलर के बारे में और ज़्यादा नॉलेज होगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पानी लीक हो रहा था इसलिए मैंने जूते उतार दिए, और ये स्लिपरी है थोड़ा सा तो इस पर आपको ध्यान रखना होगा। वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छा ठंडा पानी, और ये भी स्लिपरी है इसमें भी आपको बच के चलना होगा। आइए जरा इस पे चढ़ के देखते हैं कि आगे क्या दिखता है। और आगे आप देख सकते हैं ये देखिए स्लाइड बना हुआ है एक, और आप यहाँ से देख सकते हैं नंदाकिनी नदी जो है वो यहाँ से जा रही है, और ये अलकनंदा का एकदम स्पीड से तेजी से बहता हुआ पानी, और दोनों का यहाँ पे मेल हो रहा है। और आगे इस नदी को अलकनंदा नदी के नाम से ही जाना जाता है, तो नंदाकिनी नदी यहीं पर इनके अलकनंदा नदी के अंदर समा जाती हैं। देखिए कितना खूबसूरत है ये नज़ारा, बेहद सुंदर। वो पड़ा हुआ है मेरा बैग, और ये रही क्रिस्टल क्लियर नंदाकिनी नदी, और थोड़ा थोड़ा गंदगी यहाँ पे फैलाया गया है तो वो अच्छा नहीं लग रहा है, उसको इग्नोर कीजिए। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इस एरिया को क्रॉस करके वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे वहाँ जाया जा सकता है। इधर से भी जाने का पॉसिबिलिटी है, पर थोड़ा सा बहाव यहाँ पे तेज है तो मैं इस साइड से जाना पसंद नहीं करूँगा, जहाँ पे बहाव कम है वहाँ से क्रॉस करना सबसे अच्छा रहेगा, वो जहाँ मेरा बैग रखा हुआ है, और उस साइड से आकर हम लोग आराम से उस साइड जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको करीब से दिखाते हैं कहाँ पे एग्जैक्ट मेल हो रहा है। ये समय है नंदाकिनी नदी को क्रॉस करने का, बहुत ही सावधानी से, क्योंकि नंदाकिनी नदी का भी बहाव काफ़ी है, और ये भी सोचना है कि हम उधर से इधर कूद पाएंगे कि नहीं, बहुत ज़रूरी है, यहाँ से वहाँ कूदना तो आसान है। और ये मैं यहाँ कूद चुका हूँ, और क्षण भर में मैं उस जगह पहुँच जाऊँगा जहाँ से आपको मैं एग्जैक्ट जो मेल है वो दिखाऊंगा। तो आइए जरा करीब से देखते हैं नंद प्रयाग का
ये जो संगम है वो कैसा है। अब बात करते हैं नंद महाराज के बारे में। तो नंद महाराज कौन थे? नंद महाराज जो थे वो श्री कृष्ण जी के पिताजी थे। उन्होंने यहाँ पर नंद प्रयाग में कई सौ सालों तक तपस्या किया ताकि वो नारायण जी को अपने पुत्र के रूप में पा सके, और फाइनली नारायण ने उनकी बात सुनी, उनसे प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। इस जगह को नंद महाराज की तपोस्थली मानी जाती है, इसीलिए इस जगह का नाम नंद प्रयाग रखा गया। और एक कहानी का माने तो यहाँ पे नंदाकिनी नदी बहती है और ये नंदा देवी ग्लेशियर से निकल के आती हैं, इसलिए इस जगह का नाम नंद प्रयाग रखा गया। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग कहानियां हैं, पर परम सत्य यही है कि इस जगह का नाम नंद प्रयाग है और यहाँ पे नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का बेहद ही खूबसूरत संगम होता है, जिसका आप यहाँ पर आकर आनंद ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपका पैसा लगना नहीं है, बस आपको आना है, 10 मिनट बैठना है, 20 मिनट बैठना है, 2 घंटे बैठना है और आनंद लेना है। नदियों का ये बहता हुआ साउंड सुनना है, नेचर के बीच में बैठना है, आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा, बहुत सुकून मिलेगा। अगर आप यहाँ पे आकर मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। वहाँ पीछे में बैठने का और मेडिटेशन करने का बेहद ही अच्छा जगह बनाया हुआ है। तो चलिए, अब हम लोगों ने नंद प्रयाग का दर्शन कर लिया है और अब हम निकल रहे हैं आगे विष्णु प्रयाग के लिए। मुझे ऐसे पत्थरों पे चलना बहुत पसंद है, बेहद खूबसूरत पत्थर है ये। कोई गोल है, कोई चपटा है, कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है। आप देख सकते हो ये पत्थर लग रहा है कि पनीर का टुकड़ा है। तो मुझे ऐसे पत्थरों पे चलना बहुत ही पसंद है। अब आप इसको जो भी कहो, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी कभी आकर खाली पैर, नंगे पैर इन पत्थरों पे चढ़कर देखो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, कुछ अलग सा फील होता है, बहुत मज़ा आता है। चलिए, अब एक हर्डल है अपने सामने, क्रॉस करना है नंदाकिनी नदी को। बड़े से पत्थर पर बैठकर और पैरों को अपने नदी के अंदर डालकर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा, आपका पूरा सारा टेंशन, सारा शरीर का दर्द, दुख दर्द सब दूर हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। और साथ में अगर ऐसे नज़ारे हों तो आनंद और बढ़ जाता है। और ये जो पानी है बहुत ठंडा है, मुझे लगता है 3-4 डिग्री सेल्सियस कम से कम होगा। यही एंट्री गेट पर आपको महादेव का एक शिवलिंग देखने को मिल जाता है। तो महादेव के आशीर्वाद से विष्णु प्रयाग के दर्शन के लिए हम निकल रहे हैं। हर हर महादेव।